वहीं पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है और शुक्रवार तक सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब भी मांगा है। शुक्रवार को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। सभी दस्तावेज सील कवर में रखने का आदेश दिया गया है। हमारे संवाददाता राजा पटेल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हम इस वक्त मौजूद है। पहलवानों के धरने का आज तीसरा दिन है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम जो पहलवान हैं वो धरना दे रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से आज तीसरा दिन है और तमाम जो पहलवान हैं, जूनियर पहलवान, हरियाणा के अलग अलग ज़िलों की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, वो पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विनीशा फोगाट की हम बात करें, साक्षी मलिक इस तरीके से वहाँ पर बैठ के बातचीत कर रही हैं, और जिस तरीके से हम बात करें बजरंग पुनिया, वो भी यहाँ पर मौजूद है। यानी कि तमाम जो खिलाड़ी हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं, और आज तमाम जो खाप पंचायत हैं वो भी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर खिलाड़ियों को समर्थन दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि खाप पंचायत के लोग भी अंदर बैठे हुए हैं। पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर रखी है। दिल्ली के जंतर मंतर की ये तस्वीरें हैं, और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है कि आखिरकार FIR दर्ज क्यों नहीं हुई है, पूरे मामले को लेकर शुक्रवार को सुनवाई होगी। पर उससे पहले आप देख सकते हैं कि तमाम जो खिलाड़ी हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं, और वो एक ही बात कह रहे हैं कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता वो इसी तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद रहेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर की। आप देख सकते हैं कि तमाम जो खिलाड़ी हैं लगातार धरना दे रहे हैं, और इनके समर्थन में चाहे किसान संगठन की बात करें, खाप पंचायतों की बात करें, वो लगातार यहाँ पर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। और खिलाड़ी अब से कुछ देर बाद, जिस तरीके से जो जानकारी है कि 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और बड़े जो खुलासे हैं, बड़ी जो बातें हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल कर सामने आ सकती है। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबरें अभी तक।